हेलो एवरीवन, राम राम, सत श्री अकाल और जय राम जी की सारंग। तो आज हम करते हैं हरियाणा मंत्रिमंडल। हरियाणा मंत्रिमंडल एज ऑन 4 मार्च 2021, 4 मार्च 2021 के दिन। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष, ज्ञानचंद गुप्ता, जो कि पंचकुला से विधायक है। ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष, और कहां से हैं? चुनाव जीत करके आए थे, पंचकुला से विधायक है। देन विधानसभा उपाध्यक्ष, हैं रणबीर सिंह गंगवा, और ये हिसार के नलवा से विधायक है। कहां से? हिसार के नलवा से। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और ये कड़ोई विधानसभा से जीत करके आए, कड़ोई विधानसभा रोहतक में। अभी मंत्रिमंडल में श्री मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा, जो कि 10वें व्यक्ति हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने वाले। कहां से विधायक हैं? करनाल से विधायक। ओके, कौन कौन से विभाग है इनके पास? फिलहाल वित्त विभाग, फाइनेंस विभाग या फिनांस विभाग, ये इनके पास में है। दूसरा है नगर एवं ग्राम आयोजन व शहरी संपदा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एंड अर्बन स्टेट्स। नेक्स्ट है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी। उसके बाद नेक्स्ट इनके साथ सिंचाई एवं जल संसाधन, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर के अधीन अन्य विभाग हैं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है सूचना लोक संपर्क एवं भाषा, इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशंस एंड लैंग्वेजेस। उसके बाद है आवास विभाग मनोहर लाल खट्टर जी के पास। देन योजना विभाग, प्लानिंग डिपार्टमेंट, वो भी मनोहर लाल खट्टर जी के अंडर है। नेक्स्ट है न्याय प्रशासन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय प्रशासन। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इनके अंडर पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद नेक्स्ट है वास्तुकला आर्किटेक्चर, ये भी खट्टर जी के पास है। नेक्स्ट है सामान्य प्रशासन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो भी खट्टर साहब के पास है। नेक्स्ट है गुप्तचर विभाग, यानी सीआईडी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, तो सीआईडी मुख्यमंत्री के अधीन है। नेक्स्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ओके, नेक्स्ट राजभवन मामले रिलेटेड टू राजभवन, वो भी इन्हीं के पास है। नेक्स्ट अन्य विभाग जो किसी अन्य मंत्री को नहीं दिया गया है, द अदर डिपार्टमेंट विच इज नॉट गिवन टू एनी अदर मिनिस्टर्स, वो सब मनोहर लाल खट्टर जी के साथ में रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री, ठीक, ये उचाना से विधायक है। कहां से? उचाना। किस जिले में पड़ता है उचाना?
जींद जिले में, उचाना जींद से विधायक। इनके अधीन विभाग है राजस्व और आपदा प्रबंधन, राजस्व और आपदा प्रबंधन, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, राजस्व और आपदा प्रबंधन। दूसरा है आबकारी एवं कराधान, आबकारी एवं कराधान, एक्साइज एंड टैक्सेशन, एक्साइज एंड टैक्सेशन, आबकारी एवं कराधान। नेक्स्ट है विकास एवं पंचायत विभाग, डेवलपमेंट एंड पंचायत, विकास एवं पंचायत विभाग, डेवलपमेंट एंड पंचायत। नेक्स्ट इनके अंदर उद्योग एवं वाणिज्य, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, उद्योग एवं वाणिज्य, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। उसके बाद नेक्स्ट इनके अंदर लोक निर्माण, बी एंड आर, पब्लिक वर्क्स, बी एंड आर, लोक निर्माण, बी एंड आर, पब्लिक वर्क्स, बी एंड आर। नेक्स्ट है नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले, यानी फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले। नेक्स्ट है श्रम एवं रोजगार, श्रम एवं रोजगार, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार। नेक्स्ट है सिविल विमानन, सिविल एविएशन, सिविल विमानन, सिविल एविएशन मिनिस्टर। नेक्स्ट है पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास। नेक्स्ट है चकबंदी, चकबंदी विभाग की, ये भी चौटाला जी के पास है, कंसोलिडेशन, चकबंदी, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, चकबंदी। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी, मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के बाद नेक्स्ट तीसरे नंबर पर आते हैं अनिल विज, अनिल विज, गृह मंत्री हरियाणा सरकार, होम मिनिस्टर, ठीक है। ये अंबाला कैंट से विधायक हैं, अंबाला कैंट से चुनाव जीत करके आए थे, कहां से विधायक है अनिल विज, अंबाला कैंट, ओके। इनके पास विभाग है गृह विभाग, होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, शहरी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज, शहरी स्थानीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज। नेक्स्ट है चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान। नेक्स्ट है इनके पास आयुष विभाग, आयुष विभाग, आयुष विभाग इनके अंदर है, अनिल विज के पास में है। देन तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन, वो भी विज साहब के पास में है। देन विज्ञान प्रौद्योगिकी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ये भी अनिल विज साहब के पास में है। नेक्स्ट चौथे नंबर पर आते हैं कंवर पाल, कंवर पाल शिक्षा मंत्री, कंवर पाल गुर्जर, ये जगाधरी से विधायक हैं, कहां से विधायक हैं, जगाधरी से, और जगाधरी किस जिले में पड़ता है, यमुना नगर, ओके। ये है शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, हरियाणा के शिक्षा मंत्री। देन वन मंत्री, फॉरेस्ट मिनिस्टर्स, फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, हरियाणा के वन मंत्री कंवर पाल। देन पर्यटन मंत्री, टूरिज्म मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ हरियाणा कंवर पाल, पर्यावरण मंत्री कंवर पाल। संसदीय मामलों के मंत्री, संसदीय मामलों के मंत्री, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कंवर पाल, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कंवर पाल, संसदीय मामलों के मंत्री कंवर पाल। देन सत्कार, हॉस्पिटैलिटी, आओ भगत, सो हॉस्पिटैलिटी, सत्कार, सत्कार विभाग कंवर पाल जी के पास। नेक्स्ट है कला एवं सांस्कृतिक मामले, आर्ट एंड कल्चर अफेयर्स, कला एवं सांस्कृतिक मामले, आर्ट एवं कल्चर अफेयर्स, ये भी कंवर पाल के पास है। नेक्स्ट पांचवें नंबर पर देखते हैं, हाँ जी, पांचवें नंबर पर हैं मूलचंद शर्मा जी, मूलचंद शर्मा जी, परिवहन मंत्री हरियाणा सरकार, ठीक है। ये बल्लभगढ़ से विधायक हैं, बल्लभगढ़, जिनका पुराना नाम
पुराना नाम बल्लभगढ़ है, नया नाम है बलरामगढ़। बलरामगढ़ यानी बल्लभगढ़ से विधायक हैं मूलचंद शर्मा जी, परिवहन मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, हरियाणा के परिवहन मंत्री है, परिवहन विभाग है इनके पास। साथ में खान एवं भू विज्ञान, खान एवं भू विज्ञान विभाग, माइन एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट, माइन एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट, खान एवं भू विज्ञान। नेक्स्ट इनके पास कौशल विकास, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण, डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण। नेक्स्ट है निर्वाचन, इलेक्शन, इलेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं रणजीत सिंह, रणजीत सिंह बिजली मंत्री हरियाणा सरकार, ये रानिया से विधायक हैं, रानिया पड़ता है सिरसा जिले में, सिरसा में है रानिया। ओके, तो बिजली मंत्री हैं, विद्युत मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, हरियाणा के पावर मिनिस्टर। देन नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर, न्यू एवं रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर। नेक्स्ट चाहिए कारागार मिनिस्टर, जेल मंत्री, जेल्स इन्हीं के अधीन हैं। तो छह हो गए, अभी नेक्स्ट सातवां देखते हैं जेपी दलाल जी को। नेक्स्ट सातवें नंबर पाते हैं जयप्रकाश दलाल जी, जयप्रकाश दलाल कृषि मंत्री हरियाणा सरकार, ये लोहारू से विधायक हैं और लोहारू पड़ता है भिवानी जिले में, भिवानी जिले के लोहारू से विधायक हैं कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल जी। इनके पास देखिए कौन कौन से विभाग हैं, पहला है कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और कल्याण, किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण विभाग, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर, यानी कृषि और किसान कल्याण विभाग। नेक्स्ट है पशुपालन और डेयरी, पशुपालन और डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरीज, पशुपालन और डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरीज। नेक्स्ट है इनके पास मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन फिशरीज, मत्स्य पालन फिशरीज, मत्स्य पालन विभाग जयप्रकाश दलाल जी के पास है। नेक्स्ट है कानून एवं विधायी विभाग, कानून एवं विधायी विभाग, लॉ एंड लेजिस्लेटिव, लॉ एंड लेजिस्लेटिव, ये भी जयप्रकाश दलाल जी के पास है। नेक्स्ट आठवें हैं, आठवें नंबर पे डॉक्टर बनवारी लाल, डॉक्टर बनवारी लाल सहकारिता मंत्री, कॉपरेशन मिनिस्टर, सहकारिता मंत्री, ये बावल से विधायक हैं, कहाँ से विधायक हैं, बावल, और बावल पड़ता है रेवाड़ी जिले में, रेवाड़ी जिले के बावल से विधायक हैं बनवारी लाल जी, सहकारिता मंत्री, कॉपरेशन मिनिस्टर। तो इनके अंडर विभाग हैं सहकारिता का विभाग यानी कॉपरेशन, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री भी यही हैं, यानी वेलफेयर ऑफ एससी एंड बीसीज मिनिस्टर डॉक्टर बनवारी लाल जी। तो ये आठ कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसके बाद नेक्स्ट चार राज्य मंत्री हैं वो देखते हैं, आठ कैबिनेट मिनिस्टर के बाद नेक्स्ट आते हैं चार राज्य मंत्री, चार राज्य मंत्री पहले आते हैं ओम प्रकाश यादव, यानी हमारे आठ के बाद नाइन्थ नंबर पर ओम प्रकाश यादव, ये राज्य मंत्री हैं और नारनौल से विधायक, कहां से विधायक ओम प्रकाश यादव जी, नारनौल, और नारनौल पड़ता है महेंद्रगढ़ जिले में। तो ये हैं सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है, ओम प्रकाश यादव, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। उसके बाद इनके अधीन एक विभाग और है सैनिक तथा अर्धसैनिक, सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग, ये भी इन्हीं के अंडर में है, सैनिक एंड अर्धसैनिक वेलफेयर, सैनिक तथा अर्धसैनिक कल्याण विभाग ओम प्रकाश यादव जी के पास है। नेक्स्ट दसवें नंबर पाते हैं आती हैं श्रीमती कमलेश ढांडा, श्रीमती कमलेश ढांडा ये राज्य मंत्री हैं और कलायत से विधायक हैं, कलायत पड़ता है कैथल में, कैथल के कलायत से विधायक हैं
विधायिका ओके, ये है महिला एवं बाल विकास मंत्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हरियाणा गवर्नमेंट। ये है हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। इसके बाद इनके अधीन कौन है? अभिलेखागार, अभिलेखागार आरटीयू। नेक्स्ट है अनूप धानक जी, 11 नंबर पाते हैं अनूप धानक। ये भी राज्य मंत्री हैं और ये विधायक हैं उकलाना से। कहां से? उकलाना, उकलाना हिसार जिले में है, हिसार जिले के उकलाना से विधायक हैं। इनका दो विभाग हैं, एक तो है पुरातत्व एवं संग्रहालय, स्वतंत्र प्रभार है, पुरातत्व एवं संग्रहालय, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स, पुरातत्व एंड संग्रहालय। दूसरा है श्रम एवं रोजगार मंत्री, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्री तो हैं हमारे उप मुख्यमंत्री जी, और ये उप मुख्यमंत्री जी के साथ में हैं राज्य मंत्री। सो श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक, लेबर एंड डेवलपमेंट स्टेट मिनिस्टर। नेक्स्ट है संदीप सिंह, संदीप सिंह ये भी राज्य मंत्री हैं, पेहुआ से विधायक हैं। पेहुआ से, कहां से? पेहुआ, पेहुआ किस जिले में पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। ओके, ये हमारे खेल मंत्री हैं, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स मिनिस्टर हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा के खेल मंत्री व खेल एवं युवा मामले मंत्री। नेक्स्ट इनके पास एक और विभाग है मुद्रण तथा लेखन सामग्री, स्वतंत्र प्रभार, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी इन्हीं के अंदर हैं संदीप सिंह जी के। तो ये थे आपका हरियाणा का मंत्रिमंडल, होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं तो चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए एंड टॉपिक वाइज मैं सभी वीडियो करवाऊंगा। ठीक है, चलते हैं फिर, राम राम, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।